हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ स्पाई म्यूटिनी। सो स्पाई जो म्यूटिनी है इसे हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 में बोलते हैं। इसे स्पाई म्यूटिनी जो है ये कार्ल मार्क्स जो कि वेस्टर्न स्कॉलर है उन्होंने बोला था, कार्ल मार्क्स ने इसे बोला था स्पाई म्यूटिनी। सो क्योंकि स्पाई इसलिए बोला था क्योंकि स्पाई का मतलब होता है ट्रूप्स। सो मेरठ में जितने भी इंडियन ट्रूप्स थे उन्होंने ये जो ब्रिटिश के खिलाफ पहली इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई है वो लड़ी थी 1857 में। एंड व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ स्पाई म्यूटिनी। सो मेन रीजन क्या था, रीजन इसका मेन रीजन यही था, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्टिलेज। जो ग्रीस कार्टिलेज थी ना वही मेन रीजन था स्पाई म्यूटिनी का, रिवॉल्ट ऑफ 1857 का यही रीजन था। और साथ में एनेक्सेशन ऑफ अवध एंड सब्सिडरी अलायंस 1801, अवध का भी एनेक्सेशन हुआ और सब्सिडरी अलायंस बनी, सब्सिडरी अलायंस हुआ 1801, दिस इज ऑल्सो रीजन। पेंशन बंद कर दी गई थी नाना साहब की, नाना साहब कौन थे, कानपुर से थे, अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे नाना साहब, इनकी पेंशन बंद कर दी थी। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्टिलेज, ग्रीस कार्टिलेज, सो मेन रीजन यही था, बाकी ये भी सेकेंडरी रीजन थे। लेकिन इसी के बाद ग्रीस कार्टिलेज के बाद ये जो रूप था ना जो 1857 का रिवॉल्ट उसने पूरी अपनी शक्ल ले ली थी। एनेक्सेशन ऑफ अवध वाज डन बाय लॉर्ड ग्लोजी, जो एनेक्सेशन है ना अवध का ये करा गया था लॉर्ड ग्लोजी जी के द्वारा, बिकॉज ऑफ मॉल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाजिद अली शाह। ये मैंने आपको पिछले एमसीक्यू में पढ़ाया था, एनेक्सेशन हा अवध का दैट इज डन बाय लॉर्ड ग्लोजी बिकॉज ऑफ मॉल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाजिद अली, क्योंकि इनकी ट्रेजरी थी ना ये बहुत खर्चीले थे और इन्होंने अपनी ट्रेजरी तक को खाली कर दिया था। उसी के कारण फिर इनकी आफ्टर दिस डेथ इनकी जो सन एंड उनकी जो बेगम थी देवर डिथ्रोन्ड और उन्हें देवर सेंट टू द लंडन। सो ब्रिजस कादर कादर एंड बेगम हजरत महल इनको डिथ्रोन कर दिया गया, देवर ऑल्सो लीडिंग दिस रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम लखनऊ एंड अवध। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड ग्लोजी एनेक्स फर्स्ट स्टेट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मैंने आपको बताया, जिनका नेचुरल हेरिडिटी नेचुरल हेयर जिसका नहीं होगा, जिसकी आगे बारिश नहीं होगा, उसकी जितनी भी टेरिटरी थी वो ब्रिटिश कब्जा लेते थे। सो पहला कौन सा स्टेट है दैट इज एनेक्स्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो इसका आंसर है सतारा, 1848 में सतारा को कर लिया था कब्जे में लॉर्ड ग्लोजी ने। और दूसरा है झांसी, जैसे झांसी को 1853 में किया था, और गंगाधर राव एंड रानी लक्ष्मीबाई इनके जो अडॉप्टेड सन थे आनंद। सो इनकी डेथ होने के बाद, गंगाधर राव की डेथ होने के बाद, सो आनंद जो थे वॉज नॉट द लीगल हेयर। सो लीगली ये उनके नहीं थे तो इनको नहीं उन्होंने लीगली बनाया था अपना बेटा, इसलिए ये सारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स झांसी में भी हुआ था। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच अमंग द फॉलोइंग लीड्स टू प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ सती प्रथा इन 1829। सो विच अमंग द फॉलोइंग किसने लीड किया था प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ सती प्रथा इन 1829 में, लॉर्ड विलियम वेंटिक, राजा राम मोहन राय, बोथ ए एंड बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सो इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। सो राजा राम मोहन राय विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम वेंटिक इन दोनों की मदद से ये प्रोहिबिशन और सती प्रथा, सती प्रथा आपको पता ही है पति की मृत्यु के बाद अपनी उसकी जो पत्नी है उसे उसको भी चिता में बैठना पड़ता था। तो लॉर्ड विलियम वेंटिक और राजा राम मोहन राय दोनों ने ही मिलकर ये सती प्रथा जो एक्ट है इसका प्रोहिबिशन एक्ट 1829 में लाया था। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये आप याद रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेंबर इन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो ये मेंबर थे वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, और इन्होंने विडो री मैरिज एक्ट लाया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या लाया था, विडो री मैरिज एक्ट 1856-1857। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856। सो ये जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट है 1857 में पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ इंडिया, सबसे पहले जो हिंदुस्तान में जो इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़े थे और जिनकी मृत्यु हुई थी वो है मंगल पांडे जी। मंगल पांडे जी वाज अ सिपाही थे, गोरखपुर बंगाल के थे। 8 अप्रैल 1857 इनकी मौत इनको फांसी दी गई थी, हैंग टिल डेथ 8 अप्रैल 1857 में इनको फांसी की सजा हुई थी। ये सिपाही थे, इन्होंने ही फर्स्ट मार्टियर ऑफ इंडिया थे मंगल पांडे जी। रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम, सो 1857 का जो रिवॉल्ट है ये शुरू हुआ था मेरठ में। मेरठ में जो रिवॉल्ट है ना 1857 का शुरू हुआ था बाय द ट्रूप्स ऑफ मेरठ। सो इसे स्पाई म्यूटिनी भी बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 को। मेरठ में यूपी में 10 मई 1857 को ये शुरू हुआ, दिल्ली में 12 मई 1857 को शुरू हुआ, और बहादुर शाह जफर जो थे लास्ट मुगल एम्पायर थे उनके टाइम में ये शुरू हुआ था। कानपुर में नाना साहिब थे, डोंडू पंथ इनका जो था रियल नेम था, ही वाज लीड बाय तात्या टोपे। सो तात्या टोपे जी इनको लीड कर रहे थे। फैजाबाद में मोहम्मद अहमद मुल्ला, सो अरहा बिहार जो है उसमें कन्वर सिंह 85 ईयर्स ओल्ड इन्होंने भी किया था। सो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था मेरठ यूपी में 10 मई 1857 को। सो 1857 के जो भी रिवॉल्ट है उसमें ये सभी लीड कर रहे थे, बहादुर शाह जफर दिल्ली से, कानपुर से नाना साहिब, और इनको लीड करने वाले थे तात्या टोपे। फैजाबाद में मोहम्मद अहमद मुल्ला, अरहा बिहार कन्वर सिंह 85 ईयर और ये वृद्ध थे ओल्ड मैन थे जो लीड कर रहे थे इस रिवॉल्ट को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख, सो हमने देख लिया पिछले क्वेश्चन में कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 कौन लीड कर रहा है। अब हम देखेंगे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 को किसने सप्रेस किया था, हु सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन दिल्ली। सो दिल्ली में इसने किया था वो थे कर्नल निकोलसन हडसन। कर्नल निकोलसन हडसन जी हडसन ने इस जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन दिल्ली जो दिल्ली में हो रहा था उसको इन्होंने सप्रेस किया था। बहादुर शाह जफर थे, उनके दो बेटे थे वर मर्डर, इनके दो बेटों का मर्डर कर दिया गया था एंड हैंग द बॉडी ऑन द खूनी दरवाजा। सो बहादुर शाह जफर जो कर रहे थे ना दिल्ली से, उनके दो बेटे थे उनको उनका मर्डर कर दिया गया था इसमें, तो उनकी बॉडी को खूनी दरवाजे हैंग कर दिया था। सो आफ्टर 1857 रिवॉल्ट बहादुर शाह जफर फ्लू टू रंगून म्यांमार चले गए थे और 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर आता है कैंपबेल, जो है इन्होंने कानपुर में सप्रेस किया था, जहाँ की नाना साहिब थे वो तात्या टोपे की उनको लीड कर रहे थे। तात्या टोपे की मृत्यु के बाद जो नाना साहिब थे वो
मूव टू नेपाल। सो ये चले गए थे नेपाल। सो कानपुर से जो थे वो टाटा टोपे थे, उनकी मृत्यु के बाद नाना साहिब चले गए थे नेपाल में। और लखनऊ से जो कि अवध है वहाँ से ब्रिजेश कादर का मर्डर हो गया था, बेगम हजरत महल जो थी वो मूव कर गई थी नेपाल को, क्योंकि अवध जो था ना उनके जो वाजिद अली थे उनके ही जो बेटे हैं वो हैं ब्रिजेश कादर और बेगम हजरत महल, इनकी जो पत्नी थी और यही लीड कर रहे थे लखनऊ से, अवध से ये कर रहे थे लीड। और साथ में क्या बोलते हैं इनकी इनके बेटे की मृत्यु होने के बाद जो बेगम हजरत महल थी वो फिर चली गई थी नेपाल में। और ह्यूज रोज जो थे इन्होंने झांसी से लिया था और रानी लक्ष्मीबाई की इसमें मृत्यु हो गई थी। विंसेंट ईयर एंड टेलर इन्होंने अरहा बिहार में जो कन्वर सिंह लीड कर रहे थे उनकी मृत्यु हो गई थी इसमें। और कर्नल निकोलसन हर्सन ने बहादुर शाह जफर थे उनको क्या बोलते हैं उनके दो बेटों को मारकर इन्होंने खूनी दरवाजे में कर दिया था हैंग। तो आफ्टर 1857 के बाद बहादुर शाह जफर फ्लू टू रंगून में मार और 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट वर द फीचर्स ऑफ एक्ट ऑफ 1858। सो एक्ट ऑफ 1858 को एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी बोला जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हो गई थी तब, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंद हो गई थी एंड डायरेक्ट रूल जो ब्रिटिश क्राउन का था वो चल रहा था इंडिया पर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी अबॉलिश हो गई थी, क्योंकि ये कंपनी के साथ ही जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो होते हैं, तो वो कंपनी बंद होने के बाद ये भी अबॉलिश हो गए। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ 50 मेंबर्स जिन्होंने क्या किया, असिस्ट किया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज प्रेजिडेंट। जो डायरेक्ट रूल चल रहा था ब्रिटिश क्राउन का वो कैसे चल रहा था इंडिया पर, बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज प्रेजिडेंट। सो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसे असिस्ट कर रहा था इंडियन जो काउंसिल ऑफ 50 मेंबर्स जो उनको असिस्ट कर रहे थे। तो गवर्नर जनरल रीनेम्ड एज वाइसरॉय एंड सेक्रेटरी, जो गवर्नर जनरल था ना उसे रीनेम कर दिया गया था वाइसरॉय की वाइसरॉय एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एज प्रेजिडेंट। सो इसका ऑल ऑफ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हु रोड बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक किसने लिखा था, वी डी सावरकर जी ने लिखा था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो आर सी मजूमदार जो है उसने लिखी थी स्पाई मिटनी जिसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम बोलते हैं। सो ये बिगिन हुई थी मेरठ में बाय इंडियन ट्रूप्स जिन्हें स्पाई बोलते हैं, और कार्ल मार्क्स कॉल्ड इट स्पाई रिवॉल्ट, कार्ल मार्क्स ने इसे स्पाई रिवॉल्ट बोला था। सो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि वी डी सावरकर जी ने लिखी है और आर सी मजूमदार ने ये स्पाई मिटनी लिखी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सन्यासी रिवॉल्ट हुआ स्पेसिफाई। सो सन्यासी रिवॉल्ट हुआ 1717 में बंगाल में हुआ था। क्या करते थे, ब्रिटिशर्स की रिस्ट्रिक्शंस लगा देते थे होली प्लेसेस पर जाने के लिए, और इन्होंने कई सारी एट्रोसिटीज की थी टू कैप्चर द लैंड ऑफ बंगाल। सो सन्यासी रिवॉल्ट हुआ इसमें 1770 में ये रिवॉल्ट हुआ था, इसको सप्रेस किया था वेरियन हेस्टिंग ने। तो कई सारी रिवॉल्ट इंडिया में चलना शुरू हो गए थे। फिर आता है कि एक बुक है आनंदमठ जो कि रिटन की गई है बंकिम चंद्र चटर्जी, या इनको हम चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं। 1882 में इन्होंने सन्यासी रिवॉल्ट के ऊपर एक बुक लिखी थी, सन्यासी रिवॉल्ट पर बुक लिखी थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में सन्यासी रिवॉल्ट पर बुक लिखी थी, और इस बुक का नाम था आनंदमठ। इसी बुक से जो वंदे मातरम का स्लोगन है वो लिया गया, स्लोगन ऑफ वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम दिस बुक आनंदमठ। और यही रैली कराई बन गया था, जो नारे होते हैं वंदे मातरम, तो ये एक रैली कराई भी बन गया था वंदे मातरम। सो फर्स्ट टाइम ये वंदे मातरम एक सॉन्ग है, इसे दैट इज संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर 1896 में कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और 1896 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी सो उस सेशन में रामतुल्ला मोहम्मद सिहानी जो था वो प्रेसिडेंट थे। सो उन्हीं के दौरान ये रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाना गाया था। सो नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पवना रिवॉल्ट टुक प्लेस ऑन। सो पवना रिवॉल्ट है ये 1870 में हुआ था। क्या होता था कि ये रिवॉल्ट जुड़ा हुआ है जमीन के ऊपर, जो जमींदार थे ना उन्होंने रेट इंक्रीज कर दिए थे पीजेंट्स पर, टेनेंट्स के ऊपर। सो ये रिवॉल्ट हुआ था 1870 में। फिर 1860 में हुआ था इंडिगो रिवॉल्ट बंगाल में। होता क्या था कि इसे लीड किया गया था दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास जी ने। और इंडिगो रिवॉल्ट इसलिए हुआ था क्योंकि इंडिगो से ना फसल जो है ना उसकी जो मिट्टी की फर्टिलिटी वो कम हो जाती थी। सो इसके खिलाफ ये रिवॉल्ट हुआ था। और 1875 में डेक्कन राइट्स होना शुरू हो गए थे गुजरात यूपी और पंजाब में। मनी लैंडर्स ट्राइज टू मैनिपुलेट अकाउंट्स। सो मनी लैंडर्स जो पैसा जो देते थे ब्याज पर, उन्होंने क्या किया था कि ब्याज बढ़ाते रहते थे, वो मैनिपुलेट करते रहते थे उनके अकाउंट्स को। फिर हुआ 1921 में मोफला रिवॉल्ट जो कि केरला में हुआ था। और इंडिगो रिवॉल्ट इसको हम, इसकी बुक है नील दर्पण बाय दीन बंधु मित्रा जी ने इसे बुक लिखी है इंडिगो रिवॉल्ट के ऊपर। तो इंडिगो जो अब आता है हमारा चंपारण सत्याग्रह वाला साइड, सत्याग्रह जो चंपारण है, चंपारण एक जगह बिहार में, बिहार की जगह चंपारण 1916 में ये जो सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था बिहार में। इसमें क्या था कि जो इंडिगो ग्रो करते थे ना, सत्याग्रह क्यों हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह, इट इज़ बिकॉज ऑफ इंडिगो जो ग्रो करते थे उन्हें बोला जाता था कि आपकी अगर ज़मीन है 3/20 हिस्से में आपको इंडिगो लगाना, अगर 20 हिस्से हैं तो 3 हिस्से होने चाहिए इंडिगो के। और साथ में इंडिगो ग्रो करने से फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती थी। सो इसको सत्याग्रह को लीड किया था, इट इज़ लीड बाय राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा इसे लीड किया गया था इस सत्याग्रह को, चंपारण सत्याग्रह। फिर बाद में राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी से मिले थे, फिर चंपारण सत्याग्रह जो फर्स्ट था गांधी जी का सत्याग्रह वो चला था, और गांधी जी विधि हर बार राजेंद्र प्रसाद इनके कंपेनियन थे, उनके द्वारा ये सत्याग्रह चलाया गया था। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द गांधी कंपेनियन चंपारण सत्याग्रह। सो ये क्वेश्चन आ गया। सो गांधी जी का कंपेनियन थे राजेंद्र प्रसाद जी, फर्स्ट सत्याग्रह था गांधी जी का, इट वाज फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ गांधी जी। फिर खेड़ा सत्याग्रह भी आता है जो कि गुजरात में 1918 में हुआ था बिकॉज ऑफ फेमिनन एंड क्रॉप फेलियर, क्रॉप फेलियर के बावजूद भी वो ब्रिटिश से लगान लेते थे, टैक्स लेते थे। सो अंडर मोहन लाल पांड्या ये जो रिवॉल्ट है, ये सत्याग्रह है, ये
खेड़ा सत्याग्रह चला था अंडर मोहनलाल पांड्या, और इसमें गांधी जी और वल्लभ पटेल जी जुड़े थे, और ये फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी गांधी जी की इन इंडिया। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो वल्लभ भाई पटेल थे, वो कंपेनियन थे खेड़ा सत्याग्रह के गांधी जी के। जो चंपारण सत्याग्रह है उसमें जो इनके कंपेनियन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खेड़ा सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके गांधी जी के थे कंपेनियन। सो इनको लीड किया था मोहनलाल पांड्या ने खेड़ा सत्याग्रह को, और चंपारण सत्याग्रह को लीड करने वाले हैं राजकुमार शुक्ला जी। सो नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है मेहर मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय बाबा गोपाल वालंकर। सो ये भी एक मूवमेंट हुई है फॉर डिप्रेस्ड क्लास। सो जितनी भी हमारी डिप्रेस्ड क्लास है मध्य प्रदेश की, वहाँ ये मूवमेंट हुई थी मध्य प्रदेश में मेहर मूवमेंट, जिसको ऑर्गेनाइज किया था बाबा गोपाल वालंकर। 19th सेंचुरी की है मूवमेंट मेहर मूवमेंट। और भीमराव अंबेडकर जो है बिकम द लीडर ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे लीडर थे डिप्रेस्ड क्लास के इन 20th सेंचुरी में। दे स्टार्टेड जो डिप्रेस्ड क्लास थी ना उसने स्टार्ट कर दिया था मनुस्मृति की बुक को जलाना। ये स्टार्ट बर्निंग द बुक ऑफ मनुस्मृति एंड ट्राई टू ब्रीच फ्रॉम हिंदुइज्म। सो हिंदुइज्म से बर्निंग शुरू हो गई। सो ज्योतिबा फुले हैं, इन्होंने मूवमेंट है सत्य सोड़क मूवमेंट टू सेव गॉड डिप्रेस्ड क्लास फ्रॉम ब्राह्मणिज्म। सो सोड़क मूवमेंट है सत्य सोड़क मूवमेंट चलाई थी इन्होंने ज्योतिबा फुले ने टू सेव गॉड डिप्रेस्ड क्लास। इनकी एक बुक है जिसे लिखी गई है इनके द्वारा गुलामगिरी। इसका राइट आंसर है बाबा गोपाल वालंकर। सो मेहर मूवमेंट। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इज्वा मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय इज्वा मूवमेंट है दैट इज लॉन्च बाय श्री नारायण गुरु। ये केरला में मूवमेंट हुई थी 1919-1920 के दौरान। पदम फिले इन्होंने, ये सारा एक दो क्वेश्चन है ये है डिप्रेस क्लास के रिलेटेड। सो नेर भी डिप्रेस क्लास है साउथ इंडिया की। पद्म फिले इन्होंने यहाँ से किया था। ई वी रामास्वामी नायकर हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई थी इन्होंने 1925 मद्रास में। जस्टिस मूवमेंट, तो इसको सब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को परिहार मूवमेंट भी बोलते हैं। ई वी रामास्वामी नायर जी ने 1925 में मद्रास में, और सी एन मुदलेयर जी ने जस्टिस मूवमेंट चलाई थी। सो इज्वा मूवमेंट है केरला की 1919 और 1920 में श्री नारायण गुरु जी ने चलाई थी। सो ये नेहर सोसाइटी इसको लीड करते थे पद्म फिले। सो नेक्स्ट हमारी हमारा क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑर्गेनाइज विच अमंग द फॉलोइंग। इंडियन लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, पीपल एजुकेशन सोसाइटी। सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इंडियन लेबर पार्टी भी इन्होंने की थी ऑर्गेनाइज, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और पीपल एजुकेशन सोसाइटी। सो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि अपराइजिंग स्टार्टेड इन। सो ये है लेबर जो होती है मींस फोर्स लेबर जो है, दिस वॉज स्टार्टेड इन मणिपुर 1917 में लीड बाय ये जो कुकी अपराइजिंग ये भी एक मूवमेंट है ये स्टार्ट हुई थी मणिपुर में 1917 में लीड बाय जग डो नाग एंड हिज नीस रानी जेडी नीली। सो बिकॉज ऑफ फोर्स लेवल ये सारा चलाया गया था। सो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट जूट मिल कहाँ स्टैब्लिश की गई थी। सो पहली जूट मिल कहाँ स्टैब्लिश की गई थी, बॉम्बे यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार। सो इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल में 1855 में। वेस्ट बंगाल में जूट मिल सबसे पहले स्थापित की गई थी, और बॉम्बे में 1853 में फर्स्ट टेक्सटाइल मिल थी नानाजी भाई एंड ओवस जी इनके द्वारा। ये फर्स्ट जो है टेक्सटाइल मिल, जूट मिल है वेस्ट बंगाल, टेक्सटाइल मिल है बॉम्बे की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वॉज पास इन 1881 में। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास किया गया था बाय लॉर्ड रिपन। सो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिलो 7 ईयर्स अभी, और सेकंड फैक्ट्री एक्ट 1891 में किया गया था पास। तो इसमें 7 साल से नीचे का बच्चा जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता जी। सो नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है विच हैज द फर्स्ट रियल लेबर यूनियन। सो फर्स्ट रियल लेबर यूनियन कौन सी है। सो ये है प्रिंटर्स यूनियन 1901 में कलकत्ता में फर्स्ट लेबर यूनियन है ये। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, इट इज फाउंडेड बाय NM जोशी जी 1920 में की थी, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय जो कि इसके प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। फिर आता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, इसको फॉर्म किया था NM जोशी ने। सो फेडरेशन और कांग्रेस दोनों को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन NM जोशी जी ने किया था, और BP वादिया जी ने मद्रास में लेबर यूनियन की थी। एमएन राव ने ताशकंद कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में की थी, इसको बयान कर दिया था 1934 में। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन SN हल्दर ने की थी। सो नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन INTUC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ऑर्गेनाइज बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो INTUC इसे किया था ऑर्गेनाइज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो कि प्रेजिडेंट थे हमारे AITCU ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, नहीं वो थे लाला लाजपत राय। सो INTUC है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सो हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऑर्गेनाइज की थी। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंडेड बाय, द कांग्रेस सोशलिस्टिक पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1934 बाय जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव। सो दोनों इनके द्वारा की गई थी। सो लास्ट हमारा क्वेश्चन है कानपुर लेबर इंक्वायरी कमेटी वॉज फाउंडेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ राजेंद्र प्रसाद जी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मॉडर्न इंडिया के। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन से कई सारी नॉलेज मिल गई होगी। सो थैंक यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इस वीडियो को लाइक कीजिए।